हेलो एवरीवन। तो गणपति बप्पा घर घर पहुंच चुके हैं और उनके आने की तो खुशी हमारी दो दुगनी चार चौगनी हो चुकी है। और गणपति में ना अच्छे से तैयार होना हर किसी को पसंद है, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। इसलिए थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है, कुछ ऐसी कुर्तियां खरीदी है जो कि गणपति के इस सीज़न के लिए परफेक्ट है। वैसे गणपति के बाद नवरात्र भी आने वाली है, तो आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं जहाँ से मैंने की है, वो भी अफोर्डेबल एंड बजट में। तो सबसे पहले ये पिंक कलर की कुर्ती आप देख सकते हैं। वैसे ये कुर्ती अटैच है स्कर्ट के साथ, ये है कॉटन की। और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो नेक एरिया में आपको मिलेगा मिरर वर्क, और इसके साइड में भी आपको ऐसी दोरिया मिलेगी बांधने वाली, और वो एक लटकन वाला ऐसा लुक भी क्रिएट कर रहा है। बेस्ट पार्ट कि इसे बस पहन लो एंड हो गया, कोई अलग से स्कर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। और ये इतना प्यारा लग रहा है। वैसे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, जैसे कि इसमें एक लाइम येलो कलर था, पिंक है, ब्लू है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तो मैंने पिंक ले लिया, बट मैं सोच रही हूँ कि ये वाला इतना सुंदर आया है तो लाइम येलो वाला ज़रूर ले लूँ, क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ये घेरदार कुर्ती कॉटन की दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। वैसे मैं आपको क्विकली बता दूं कि मैंने ये कुर्ती ली है मीशो से। मीशो इंडियन एक ऐप है और इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप शॉपिंग करते करते ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, एट द सेम टाइम आप बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं। कमाने का ज़रिया मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगी। वैसे मैंने लिंक जो है इसकी डाउनलोड की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से जाइए, लिंक से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही मीशो खुलेगा आपको यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी के कपड़े हो, सामान हो, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। वहाँ पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद बस आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है या फिर रीसेलिंग का बिजनेस करना है। आप दोनों में से जो चाहिए आप कर सकते हैं। रीसेलिंग में बेसिकली आपको करना क्या होता है, मैं क्विकली बताना चाहूँगी। जो जो चीज़ें आपको पसंद आ रही है, जैसे साड़ियाँ हो, ड्रेस हो, कुर्तियाँ हो, जो भी घर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करना है। और जैसे ही उन्हें पसंद आ जाए बस उनके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करते समय आपको करना क्या है, आपका मार्जिन डालना है, क्योंकि वही मार्जिन आपकी अर्निंग होगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए, समझ लीजिए, ये 500 रुपये का ड्रेस मैंने अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में 600 रुपये का बेचा तो मुझे 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, और इसी तरह से मैं अर्न करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अच्छी खासी अर्निंग होती है अगर आप ध्यान से कुछ घंटे एवरी डे बैठ कर इस ऐप पर लगाए अपना समय, तो डेफिनेटली आप 20 से 25 हज़ार 2 से 3 घंटे काम करने का अर्न कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके घर पर कोई वायरस ना आ जाए कुछ सामानों के साथ, लगता है ना आजकल यही का टेंशन तो हर जगह फैला हुआ है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि स्पेशल सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जा रहा है मीशो के यहाँ पर। वो सेफ्टी मेजर्स कौन सी है उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं उसे आप पॉज करें और पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले है नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। जो भी बॉय आएगा आपके पास डिलीवरी के लिए, वो आपके डोर स्टेप पर वो सारी चीज़ों को रख कर चला जाएगा और आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देगा। डिजिटल पेमेंट हो जाएगा जिससे आपको पैसे की लेन देन नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, नो मोर फिजिकल सिग्नेचर। पहले जब हम लोग कुरियर रिसीव करते थे तो रिसीव करते समय हम लोग सिग्नेचर करते थे कि हमें रिसीव हो गया, पर अब आपको OTP शेयर करना पड़ेगा जिसकी मदद से पता चल जाएगा कि आपको कुरियर मिल चुका है। एम्प्लॉय का हाइजीन का ये खास ख्याल रख रहे हैं। इनफैक्ट जो भी मीशो के कांटेक्ट में है सबका हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का स्पेशल ख्याल रखा जा रहा है। सारे ही एम्प्लॉयज़ इनके मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसे फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ टेम्परेचर चेक होता है। उसके बाद वर्क प्लेस पर भी हाइजीन है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही है वो पूरी तरह से सेफ से आ रही है।
और जो भी डिलीवरी बॉयज़ हैं उनका रेगुलरली टेम्परेचर चेक हो रहा है, वो मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हुए हमारे पास ये सारी चीज़ें पहुँच रही है। उसके बाद ये देखिए पीच कलर की कुर्ती जो आप देख सकते हैं, एक प्यारी सी जो अगेन स्कर्ट के साथ ही है, वैसे ये अटैच नहीं है, इसमें ब्लू कलर का स्कर्ट अलग है और पीच कलर की कुर्ती अलग है। इस कुर्ती को मैं लेगिंग के साथ भी पहन सकती हूँ और इस स्कर्ट को मैं किसी और टॉप के साथ भी पहन सकती हूँ, मतलब इसे बोलते हैं एक तीर में दो निशाने। और मुझे ना इन दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है पीच एंड ब्लू, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिलीव मी, मेरे पास ऐसा कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का ड्रेस या सूट इससे पहले नहीं था, बट जब से ये मैंने लिया है ना मेरे घर में सबको पसंद आया। इसके ऊपर ना गोल्ड कलर की प्रिंट हो रखी है और ये सिंपल लुकिंग कुर्ती ही इतनी प्यारी लग रही है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है पर मुझे पीच इतना भा गया और इसके ऊपर की ये गोल्ड प्रिंट, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है ना कभी कभी कोई कुर्ती खरीद के, वैसा ही ये कुर्ती एक है। अच्छा, इन कुर्तियों के बीच मैं आपको थोड़ा सा मेरा एक वेस्टर्न ड्रेस बोल सकते हैं वो दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए वाइट कलर का एक क्रॉप टॉप है और ये रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में पैंट है। इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत प्यारा है। इसमें और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे ब्लू भी है, रेड तो मेरे पास ही है, येल्लो भी है। और कभी कभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक चाहिए होता है ना, तो इस तरह के कपड़े सच में डिफरेंट लुक देते हैं। और अगर आप इस तरह के कपड़ों पर भी थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन ले तो आपका वेस्टर्न प्लस इंडो वाला वो लुक हो जाता है। सो ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी कलर और फैब्रिक एवरीथिंग बेस्ट है। सो ये तीनों ही आज जो मैंने आपको आउटफिट दिखाई ये मीशो से मैंने ख़रीदे हैं। इनकी परचेस लिंक के कोड्स जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप जब शॉपिंग करेंगे ना तो बस वो कोड आपको डाल देना है तो आप ये वाले ड्रेसेस खरीद पाएंगे खुद के लिए। तो आई रियली होप आपको अच्छे लगे होंगे, लगे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। वंस अगेन गणपति बाप्पा मोरिया। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।